डिक्रीज इफेक्ट ऑफ द कंबाइन ड्रग ठीक है हाँ तो हमारे साथ डिक्रीज इफेक्ट का दूसरा नाम एंटागोनिज्म ड्रग भी है तो हमारे साथ एक होता है एगोनेस्ट एक होता है एंटागोनेस्ट एगोनेस्ट किसे कहते हैं जब हमारे साथ एक ड्रग किसी भी रिसेप्टर के साथ मिल जाए ठीक है किसी भी रिसेप्टर के साथ मिल जाए इसके रिजल्ट में वो अपना वो अपना एक्शन शो कर ले ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं एगोनेस्ट एगोनेस्ट हमारे साथ ड्रग भी हो सकता है एगोनेस्ट हमारे साथ कोई भी बाइंडिंग मालिक्यूल हो सकता है जो रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं एगोनेस्ट हमारे साथ कोई सिग्नल भी, भी हो सकता है ठीक है कोई न्यूरो भी हो सकता है ठीक है इसे एगोनेस्ट कहते हैं कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है एंटा क्या के एंटोनेस्ट एंटागुनेस्ट हम किसे कहते हैं एंटागुनेस्ट जो होता है एंटा मीन्स अगेंस्ट एंडगुनेस्ट मीन्स यही सिग्नल क्या एंटा गोनेस्ट एंटा मीन्स अगेंस्ट एगुनेस्ट यही सिग्नल यानी हमारे साथ जो इस सिग्नल इस ड्रग की जो क्या करे रेजिस्टेंस शो करे तो उसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं हर एक्शन का हमेशा रिएक्शन होता है तो इसी तरह अगर ये एगोनिस्ट आ जाए ये अपना काम करे तो इसको बंद करने के लिए एक दूसरा चीज आता है जिसे क्या के कहते हैं एंटागोनिस्ट फॉर एग्जांपल ठीक है किसी ने कोई आगे मैं एग्जांपल देता हूं हाँ बताएं एगोनेस्ट एगोनेस्ट आर ड्रग आर सिग्नल आर बाइंडिंग मालिक्यूल आर यही जो हमारे साथ रिसेप्टर के साथ कंबाइन uh, हो जाए बाइंड हो जाए ठीक है और वो हमारे साथ एक्शन शो करे इसे हम कहते हैं एगोनेस्ट ठीक है और एंटागोनेस्ट एगोनेस्ट के जो अगेंस्ट uh, हो इसे हम क्या कहते हैं एंटागोनिस्ट हाँ अभी हमारे साथ डिक्रीज इफेक्ट पे थे ये तो बाहर की बात है हाँ डिक्रीज इफेक्ट से हमारे साथ क्या मुराद है एंटागोनिस्ट या एंटागोनिज्म इफेक्ट ये हमारे साथ क्या कर लेता है इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज डिक्रीज आर ए बोलिश इन ड्रग हाँ डिक्रीज इफेक्ट ऑफ कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग या एंटागुनिज्म इफेक्ट इससे क्या मुराद है हमारे साथ एक ऐसा इफेक्ट किसी भी ड्रग का जीगे? जो हमारे साथ या तो उसकी इफेक्ट को डिक्रीज कर ले या बिल्कुल खत्म कर ले इसे हम क्या कहते हैं इन द ऑफ ड्रग दूसरे ड्रग के मौजूदगी में एक ड्रग की जो एक्शन होता है इफेक्ट होता है ये कोई दूसरे ड्रग के मौजूदगी में वो इसकी एक्शन को या तो डिक्रीज कर ले या एबोलश खत्म कर ले तो इसको हम क्या कहते हैं डिक्रीज इफेक्ट और एंटागोनिज्म ऑफ ड्रग तो ये हमारे साथ फिजिकली भी हो सकता है ये हमारे साथ केमिकली भी हो सकता है ठीक है सबसे पहले हम केमिकल पे फिजिकली आते हैं ठीक है हाँ कि किस तरह हमारे साथ फिजिकली एक ड्रग किसी दूसरी ड्रग की इफेक्ट को डिक्रीज करे या खत्म कर ले ठीक है तो अभी देखो फिजिकल इफेक्ट फिजिकल इफेक्ट किस तरह होगा हाँ फिजिकल इफेक्ट द अपोजिंग एक्शन ऑफ वन और टू ड्रग्स द अपोजिंग एक्शन ऑफ one or two drug is due to their physical property हाँ हमारे साथ तो एक ड्रग या एक ड्रग जो हमारे साथ एक दूसरे ड्रग की जो इफेक्ट है उसकी जब वो रिजिस्टन करता है या क्या करता है अपोजिंग करता है दूसरे ड्रग की ठीक है बाय फिजिकली प्रॉपर्टी से तो वो हमारे साथ कैसे होगा अभी मैं एग्जांपल देता हूँ ठीक है इन द अपोजिंग एक्शन ऑफ वन और टू ड्रग्स इज ड्यू टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज ए फिजिकल इफेक्ट हाँ तो इसका एग्जाम्पल हमारे साथ कैसे होगा फॉर एग्जाम्पल हो गया अल्कोलाइड पॉइनिंग क्या हुआ अल्कोलाइड पॉइजनिंग अल्कोलाइड प्वाइजनिंग हम किसे कहते हैं जब कैफीन की वजह से किसकी वजह से कैफीन की वजह से पॉइजनिंग हो जाए या निको टीन की वजह से या कोई ड्रग की वजह से ठीक है हाँ नशा और ड्रग जो होते हैं उसकी वजह से जब बॉडी में अल्कोलाइड पॉइजनिंग हो जाता है इन अशिया की वजह से ठीक है तो उससे हम क्या कहते हैं अल्कोलाइड पॉइजनिंग ठीक है हाँ तो इस अल्कोलाइड पॉइजनिंग को हम इसकी इफेक्ट को डिक्रीज करने के लिए क्या करने के लिए डिक्रीज करने के लिए हम एक ड्रग यूज करते हैं जिसे क्या कहते हैं एक्टिवेटेड चार कोल वट इज एक्टिवेटेड चार कोल इज एंटीडोट्स वट इज एंटीडोट्स कंट्रोल पॉइजनिंग कंट्रोल ठीक है हाँ हमारे साथ एंटीडोट्स हर वो चीजें जो हमारे साथ तो पॉइजनिंग को कंट्रोल करे फॉर एग्जांपल किसी ने जहर का डी डी टी का कोई ऐसा जहरीला चीज जो इसके स्टामक तक तो पहुंचा हो तो उसकी इफेक्ट को खत्म करने के लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं उसे एंटीडोट्स कहते हैं उसका जो सब टाइप है जिसे एक्टिवेटेड चारकोल ये डिफरेंट फॉर्म में मौजूद होते हैं ठीक है डिफरेंट फॉर्म में हाँ लेकिन एक्टिवेटेड चारकूल की फीदर्स या करेक्टरिस्टिक ठीक है यह है कि किसी भी पॉइजनन चीज़ की इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक उसकी इफेक्ट को क्या करते हैं ख़त्म करते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है वो हमारे स्माल इंटस्टेंट तक पहुंच गया अभी उसकी एब्जॉर्पन नहीं हुए क्योंकि हर एक चीज़ जो होता है ख़तरनाक होते हैं या ऐसे जो पानी वगैरह या इम, जो हमारे साथ स्प्रिन वगैरह टेबलेट इनके अलावा जो ऐसे मेटल फॉर्म में चीज़ें हैं ठीक है वो दो या तीन घंटे गुजार के उसके बाद उनकी एब्जॉर्पन होता है डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन होता है तो इनके दो या तीन घंटे तो होते हैं या जो कैफीन वगैरह होती है तो रोजाना कोई यूज करते हैं या निकोटीन तो ज्यादातर ये स्टामक पे असर करते हैं ठीक है हाँ तो हम एक्टिवेटेड चारकोल ड्रग यूज कर लेते हैं वो क्या कर लेता है वो हमारे साथ एडजॉर्पन कर लेता है क्या कर लेता है एडजॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन Ad किसे कहते है? एक होता है एबजॉर्प्शन जजब को कहते एक होता है एडजॉर्प्शन एडजॉर्फन फॉर एग्जाम्पल एडजार्पन हमेशा किसी चीज के सरफेस पे होता है कहां पे होता है सरफेस ये देखो ये हमारे साथ कोई जहरीला चीज है ठीक है? हाँ तो जब हमारे साथ एक्टिवेटेड चारकोल आ जाता है वो क्या कर लेता है इसके एटम इसके आइन्स ठीक है ये एक्टिवेटेड चारकोल इसको अपनी तरफ खींच लेता है और अपने ऊपर सर्फिस के ऊपर इसे एडजॉर्ब कर लेता है इस एटम आइंस को ताकि उनकी एब्जॉर्प्शन ना हो जाए ठीक है एबजॉर्पन जो होता है वो इस अल्कोलाइट पॉइजनिंग की एब्जॉर्प्शन रोकने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल उसकी एड्जॉर्पन कर लेता है ताकि जिसने जो जहर काया हो जो कैफीन या पॉइजनिंग हो वो क्या करे कंट्रोल करे हाँ अगर वो हमारे साथ उनकी एब्जॉर्बशन हो जाए तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल नहीं एंटीडोट की जो और अकसाम है ठीक है एंटीडोट के जो और टाइप्स है वो हम आईवी यूज करके ब्लड में उनकी कंट्रोलिंग करते हैं लेकिन जो स्टमक तक रिलेटेड हो तो यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल काम करता है ये हमारा था फिजिकल इफेक्ट ऑफ कंबाइंड ड्रग इफेक्ट ठीक है देखो एक ड्रग ओता और एक ड्रग ये था एक्टि, एक्टिवेटेड चारकोल एक्ट एज एगोनेस्ट एंड अल्कोलाइड आर कैफिन एक्ट एज एगोनेस्ट तो एक दूसरे के उलट हाँ अभी हम आते हैं केमिकली इफेक्ट की के तरफ कि के, केमिकली किस तरह होता है ठीक है इसका समझ आ गया हाँ अभी हाँ अभी हम आते हैं केमिकली ये केमिकली किस तरह होगा केमिकली केमिकली इस तरह होता है कि बाज अवकात आपको हो गया हमारे साथ तो, इसका डिफिनीशन भी इस तरह द अपोजिंग एक्शन ऑफ टू ड्रग इज़ ड्यू टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी ठीक है इसका जो केमिकल इफेक्ट है वहाँ पे सिर्फ

केमिकली किस तरह कंट्रोल हमारे साथ यानी मेटल हैटल पॉइजनिंग हुआ क्या हुआ हैवी मेटल पॉइजनिंग या फॉर एग्जांपल किसी को हमारे साथ गैस्ट्रिक एसिड हो गए क्या गैस्ट्रिक एसिड आर पेप्टाइटिक अल्सर ठीक है हाँ जब गैस्ट्रिक एसिड होता है या पेपटाइटिक अल्सर होता है ये तो खुद खुद नहीं होता है हाँ या तो ये हमारे साथ होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से एच पाइलोरी बैक्टीरिया या हमारे साथ जो एंटीबायोटिक वगैरह के ड्रग्स होते हैं या कोई पेन किलर वगैरह होते हैं ठीक है एंटीबायोटिक ड्रग्स या जो हमारे साथ पेन किलर है पेन किलर के है ये हमारे साथ ओमनी डौला पेना, डौला ये है इनकी वजह से होती है या टेंशन की वजह से होता है टेंशन की वजह की अलामत ये कि आपकी जो लिप्स है ये सूखे होते हैं क्या होते हैं सूखे बिल्कुल आपकी जबान इस तरह आप हारवा करोगे यानी आपकी जबान में जो स्लाय है वो ज्यादातर खत्म होता है तो इससे आपके टेंशन से भी पेप्टाइटिक अल्सर होते हैं लेकिन ज्यादा टेंशन ऐसा ना हो कि बस कि गुस्सा वगैरह से आ जाते तो आपको होगा नहीं नहीं अगर टेंशन हाई हो हाँ तो जब टेंशन होते हैं तो बॉडी में यानी एसिडिटी ज्यादा होता है एसिडिटी हमारे साथ क्या है एगोनेस्ट है ठीक है या कोई ये एंटीबायोटिक यूज होने से ये हुआ हो तो ये हमारे साथ क्या है एक किस्म की एगोनेस्ट है, तो इसके खिलाफ हम क्या यूज करते हैं एंट एसिड एंट मीन्स अगेंस्ट एसिड मीन्स एसिड और ये हमारे साथ क्या है ओमिप्रा जोल हमारे साथ है मेट जोल, झील वगैरह ठीक है ये हमारे साथ एंट एसिड ड्रग्स है और ये एक्ट करते हैं एज ए एगोने एंटागोनेस्ट तो ये हमारे साथ इस पेप्टाइटिक अल्सर गैस्ट्रिक एसिड को कंट्रोल कर लेती हैं तो ये हमारे साथ क्या है एक केमिकल इफेक्ट एक बात दूसरी बात यही है कि बाजात मेटल पॉइजनिंग हो जाता है क्या हो जाता है हेवी मेटल हेवी मेटल किसकी वजह से होता है हमारे साथ अर्सिनिक से होता है किससे होता है अर्सिनक जिसे अर्सिनिक पॉइजनिंग कहते हैं ठीक है हेवी मेटल है हमारे साथ तो मरकरी है ये अरसिनक वगैरह है इससे बाजा अवकात क्या हो जाते हैं? पॉइजनिंग हो जाते हैं। तो इसके खिलाफ हम एक एजेंट यूज करते हैं जिसे क्या कहते हैं चेलेटिंग एजेंट कौन सा एजेंट चेलेटिंग एजेंट हाँ ये चिलीटिंग एजेंट का खासियत क्या है क्या करेक्टरिस्टिक है हाँ ये हमारे साथ तो मेटल के साथ कंबाइन हो जाता है ये चिलेटिंग इफेक्ट हुआ चिलेटिंग एजेंट हुआ ये हमारे साथ मेटल है इसके साथ कंबाइन हो जाता है इससे हमारे साथ तो वाटर वाटर सोल्युबल सब्सटेंस बना लेता है वाटर सोल्युबल हाँ देखो इसने फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी की किसी भी हिस्से में अर्सिनिक पॉइजनिंग की हमेशा uh, जब इनके ऑब्जर्बन हो जाते हैं ये आयन वगैरह के तो ब्लड में होगा या कहाँ पे होगा ठीक है हम ब्लड में होता है पॉइजनिंग uh, या स्टमक में ठीक है तो ये चिलीटिंग एजेंट जो होता है ये डायरेक्ट चला जाता है और हमारे साथ मेटल के साथ मिक्स हो जाता है उसके बाद इस पे क्या कर लेते हैं वाटर सोलेबल सब्सटेंस बना लेते हैं जिसकी क्या एलिमिनेशन फ्रॉम बॉडी हाँ इलिमिनेशन हमारे साथ किडनी से भी हो सकता है इलिमिनेशन हमारे साथ फीसिस के जरिए भी हो सकता है ठीक है कहाँ किस किस से हो सकता है किडनी फीसेस जिसे स्टूल कहा जाता है स्वीटिंग या हमारे साथ ब्रेस्ट मिल्क ठीक है इस वजह से वो माए जो अपने बेटों को दूध देते हैं तो क्या कहते हैं कि आप लोगों ने ज्यादा टेबलेट या ज्यादा ऐसी चीजें यूज नहीं करना एंटीबायोटिक वगैरह या हाई डोज टेबलेट वगैरह ठीक है तो वो अपने नहीं यूज़ करना है किडनी से फीसी से स्वीट से स्लाइवा से ब्रेस्ट मिल्क से हम यूरिन से ज़्यादातर जो ताकत वगैरह की टेबलेट होते हैं विटामिन वगैरह तो ये यूरिन से जब आप कोई विटामिन की टेबलेट ले लो डायरेक्ट आपकी जो यूरिन है वो येलो हो जाते हैं तो उनकी ज़रिए इसकी एलिमिनेशन होता है ठीक है जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उनकी डायरेक्ट फिर एलिमिनेशन बॉडी से होता है हाँ तो ये हमारे साथ था क्या केमिकल एंटागुनिज्म समझ आ गया हाँ अभी हम आते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागुनिज्म पे किस पे फिजियोलॉजिकल कि हमारे साथ फिजियोलॉजिकल तो एंटागुनिज्म किस तरह होता है कौन सा फिजियो लॉजिकल इफेक्ट या एंटागोनिज्म हाँ ये हमारे साथ इस तरह होता है ठीक है कि जब हमारे साथ टू ड्रग्स ठीक है जब हमारे साथ क्या हो जाते हैं टू ड्रग्स एक्ट एज ए डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर ठीक है जब दो ड्रग हमारे साथ कोई मुख्तलिफ रिसेप्टर पे क्या एक्ट करते हैं या बाय डिफरेंट मेकेनिज्म ठीक है and the same physiological system and the same physiological system and producer opposite effect हाँ, इससे क्या मुराद है इससे मुराद ये है कि जब हमारे साथ दो ड्रग्स ठीक है एक्ट करते हैं डिफरेंट रिसेप्टर पे आर बाय डिफरेंट व्हेन टू ड्रग एक्ट ऑन डिफरेंट रिसेप्टर आर बाय डिफरेंट मेकेजम ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट जब हमारे साथ दो ड्रग मुख्तलिफ रिसेक्टर पे एक्ट करें हाँ और मुख्तलिफ उनका मेकेनिज़्म हो लेकिन जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो उसका क्या होगा सेम होगा जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं वो एक जगह से वो ओरिजिनेट होंगे लेकिन उनका जो इफेक्ट होगा वो भी अपोजिट होगा तो इसे हम क्या कहेंगे फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज़म तो आप कहोगे कि ये हमारे साथ कैसा चीज़ है एक हमारे साथ है इंसुलिन और दूसरा हमारे साथ क्या है ग्लूको इंसुलिन क्या करता है वह हमारे साथ ग्लूकोस लेवल को कम करता है ग्लूकोगान ग्लूकोस लेवल को हाई करता है तो अभी देखो इंसुलिन का अपना रिसेप्टर ग्लूकोगान का अपना रिसेप्टर इंसुलिन का डिफरेंट फंक्शन इसका डिफरेंट फंक्शन हमारे साथ फिजियोलॉजिकल एक पेन क्रिया से आ रहे हैं हाँ लेकिन इफेक्ट क्या है एक डिक्रीज करता है और दूसरा इनक्रीज करता है किसको ग्लूकोस ग्लूकोज को सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो इंसुलिन हमारे साथ ड्रग है यानी है ड्रग ठीक है क्योंकि हम शुगर के दौरान इंसुलिन को लगा सकते हैं इन्हीं जो ड्रग हम यूज़ करते हैं वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं ड्रग हम क्यों यूज़ करते हैं जब उनकी कमी हमारे बॉडी में आ, जा, आ जाती है तो इस वजह से हम उसको यूज कर लेते हैं ठीक है इस तरह इंसुलिन है जब अभी ना आप इंसुलिन लेते हो ना मैं लेता हूँ क्यों बॉडी की इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी प्रोडक्शन है हाँ अगर आ, हमारे साथ क्या है बॉडी में कमी होगी तो आपने इनटेक करना है इंसुलिन की इसी तरह एक और एक अच्छा एग्जांपल है हमारे साथ और वो है हमारे साथ एड्रलिन और हिस्टामिन का ये काफी जबरदस्त है ठीक है हमारे साथ जो एड्रोलन है हिस्टामिन है हाँ एड्रलानिन का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में हाँ, एड्रीन ये आ, दूसरी बात ये कि इन दोनों का फंक्शन क्या है इकट्ठा, ये हमारे साथ तो ब्रोनिक्यूल स्मूथ मसल में एम रोला अदा करते कहाँ पे? ब्रोन स्मूथ मसल ठीक है वहां पर एमरोन का क्या फंक्शन है ठीक है हां हमारे साथ जो हिस्टामिन है क्या हिस्टामिन उसका फंक्शन है हमारे साथ ब्रोनक्यो कॉन्स कंट्रक्शन ब्रोनक्यू कंट्रक्शन यह हमारे साथ ब्रोनक्यूल तो की कंट्रैक्ट उसे करते हैं लेकिन एड्रलिन हाँ, कौन सी रिसेप्टर पे हिस्टा मीन रिसेप्टर पे दूसरी बात हमारे साथ है एड्रलिन हाँ उसका क्या फंक्शन है उसका हमारे साथ फंक्शन है ठीक है ब्रोनक्यू डायलेशन ब्रोनक्यू डायलेशन ब्रोन क्यू कंट्रक्शन और ब्रोनक्यूल की कंट्रैक्ट करना और ब्रोन डायलेशन डायशन की रिलैक्सेशन करना ठीक है? रिलैक्स एंड कंट्रक्ट ब्रोनक्यूल इसका रिसेप्टर हमारे साथ हिस्टामिन रिसेप्टर है कौन सा रिसेप्टर हिस्टामिन लेकिन जो हमारे साथ ब्रोनक्यू सूरी एड्र का जो रिसेप्टर होगा वो कहाँ पे ये ब्रोन डायलेशन करेगा रिसेप्टर हाँ इसका रिसेप्टर हमारे साथ है एड्रनरजिक बी ट्वेल्व कौन सा है नर्जिक बी टू बीटा टू एड एडरिनर्जिक बी टू ठीक है ये इसका रिसेप्टर है और हिस्टामिन रिसेप्टर उसका है हाँ तो एक हमारे साथ करता है कंट्रैक्शन दूसरा हमारे साथ क्या करता है रिलैक्सेशन तो अभी यहाँ पे ड्रग का क्या रोल होगा हाँ जब हमारे साथ एनो एनोलीफाइटिक शॉक हो जाता है कौन सा शॉक एना